हैं सुरभि सलोनी। 13वां धर्म संघ के एकादश मध्य शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण गुरुवार को विरार पहुंचे, जहां महासूर्य के चरणों में यहां के लोक नेता हितेंद्र ठाकुर भी नतमस्तक हुए। 13वां धर्म संघ के एकादश मध्य शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण के चरण लगातार मुंबई की तरफ गतिमान हैं। हर दिन पैदल विहार करते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर धर्म अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। गुरुवार 8 जून को आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ विरार स्थित विवाह कॉलेज पहुंचे, जहां लोक नेता हितेंद्र ठाकुर अप्पा उनके दर्शन किए तथा नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़ी संख्या में जैन अजैन उनके दर्शन सेवा का लाभ लेने पहुंच रहे हैं, जबकि उनकी विहार सेवा में भी 13वां धर्म संघ के लोगों के अलावा इतर जैन भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इससे पहले आचार्य श्री महाश्रमण जी बुधवार को ही 8.5 किलोमीटर का विहार कर विरार के विवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर पहुंचे थे। जहां पहले से ही विरार नाला सुपारा सहित पूरे मुंबई का 13वां समाज उनके स्वागत अभिनंदन एवं दर्शन को आतुर था, वहां पहुंचने पर आचार्य श्री का दर्शन सेवा का लाभ तो सभी ने लिया ही, उनके अमृतमयी प्रवचन से भी सभी सराबोर हुए। विरार पश्चिम स्थित विवाह कॉलेज में पहुंचने के बाद स्थानीय 13वीं सभा, महिला मंडल, युवक परिषद, कन्या एवं किशोर मंडल द्वारा गुरुदेव का भावभीना स्वागत अभिनंदन किया गया। उसके बाद गुरुदेव ने यहां बने भव्य पंडाल की तरफ रुख किया, जहां पहले से उपस्थित भीड़ गुरुदेव के जयकारों से उनका एवं साधु साध्वी वृंद का स्वागत किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से सभी को सत्य मार्ग पर चलते हुए मेहनत, बुद्धिमत्ता एवं ईमानदारी का संदेश दिया। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण ने 20 वर्ष पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ के साथ चरित आत्माओं के विरार प्रवास का भी जिक्र किया। और कई बार जो बड़े होते हैं, बड़ों वाले विरारों में आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी इन क्षेत्रों में पधारे थे। आज से करीब 20 वर्ष या साधिक 20 वर्ष पहले पधारे थे। हमारे अनेक चारित्र आत्माएं भी साथ में थे और दोबारा यहाँ इस एरिया में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के बाद आना हुआ है। तो गुरुदेव ने जिन क्षेत्रों की गुरुदेव महाप्रज्ञ जी पधारे थे, गुरुदेव द्वारा स्पृष्ट यह एरिया है। परम पूज्य गुरुदेव